हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज राजस्थान के मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा विधानसभा के अंदर बजट 2022-23 वित्त वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। हालांकि अभी भी वो विधानसभा के अंदर लाइव है, लेकिन जो अपने काम की चीज़ थी वो निकल कर आ गई है। आप सभी लोग जिस प्रकार से इंतजार कर रहे थे कि बजट के अंदर कहीं ना कहीं भर्तियों का भी जानकारी मिलेगी कि आगे आने वाले वित्त वर्ष के अंदर कितनी भर्तियाँ निकाली जा सकती है राजस्थान सरकार के द्वारा, तो उसके अंदर एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा ये घोषणा की गई है कि 1,25,000 पदों पर तो प्रक्रियाधीन है भर्तियां, और आगे आने वाले वित्त वर्ष के अंदर हम नए सिरे से 2022-23 के अंदर लगभग 1 लाख से अधिक पदों की जो रिक्तियां हैं उनको भरने का काम करेंगे। हालांकि इसके अंदर एक नेगेटिव चीज़ ये सामने निकल कर आई कि उन्होंने किसी डिपार्टमेंट के लिए स्पेशली नहीं बताया कि पुलिस के अंदर, शिक्षा विभाग के अंदर या फिर SI में या स्वास्थ्य विभाग के अंदर कितनी क्या वैकेंसियाँ वितरित की गई है, बांटी गई है। लेकिन उन्होंने एक आंकड़ा बता दिया कि हम 2022-23 के अंदर लगभग 1 लाख से अधिक वैकेंसियों के ऊपर जो है वो भर्तियाँ निकालने वाले हैं। आगे आप इस वीडियो के अंदर मुख्यमंत्री जी का भाषण देख सकते हैं, जिन्होंने इसके ऊपर आप लोगों को अच्छे से बताया है कि किस प्रकार से आप लोगों की भर्तियां रहने वाली है और किस प्रकार से उन्होंने भर्तियां करी है। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम। अनियमित रोकने के लिए SOG में एंटी चीटिंग सेल का गठन किया जाएगा। हमारे इस कार्यकाल में अभी तक अध्यक्ष महोदय, 1 लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति दे दी गई है। लगभग 1,25,000 पदों पर 1,25,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जी है। यहाँ उल्लेखनीय है, पूर्व सरकार के 5 वर्षों में लगभग 2 लाख भर्तियां की गई थी आपके वक्त में, जबकि इस संख्या तक हम मात्र 3 वर्ष में पहुंच गए हैं। अब मैं आगामी वर्ष विभिन्न विभागों में लगभग 1 लाख अतिरिक्त पदों की और भर्ती करने की घोषणा करता हूं।